सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, मोबाइल एंड लैपटॉप में पीपीटी कैसे क्रिएट करनी है, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में देखने वाले हैं मोबाइल पीपीटी ऐप में टेबल कैसे इंसर्ट करना है एंड कैसे डिलीट करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है पावर पॉइंट, और जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ऐप मिलेगी। आपने इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन से फाइल्स फैच हो जाएगी जो भी आपके फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास एरर शो हो रहा है तो आपने रिट्राई पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो होगी गो प्रीमियम की। अगर आप प्रीमियम वर्जन परचेज करना चाहते हो तो आपने गो प्रीमियम पे क्लिक करना है। एंड अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो आपने स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सभी रिसेंट फाइल्स शो हो जाएंगे जो भी आपने रिसेंटली क्रिएट की है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है शेयर्ड की। जैसे आप यहाँ शेयर्ड पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी फाइल शेयर की है किसी के साथ यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है ओपन की। अगर आप अपनी डिवाइस से या फिर आप वन ड्राइव से कहीं से भी फाइल्स को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके फाइल्स को ओपन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपने राइट टॉप पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे थीम शो होगी, प्री इंस्टॉल्ड थीम्स। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी थीम को यूज़ करना चाहते हो तो आप इनमें से किसी थीम को यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद के पास यहाँ पे स्लाइड शो हो जाएगी, वन स्लाइड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है प्लस की। जैसे आप प्लस के पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ फर्स्ट पेज पे डबल टैप करोगे, डबल टैप करने के बाद आपके पास यहाँ पे राइट करने की ऑप्शन आएगी तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम राइट कर रहा हूँ सुपर टेक्नोलॉजी। एंड दोस्तों, अगर आप कोई टेबल ऐड करना चाहते हो तो अभी यहाँ पे मैं सेकंड स्लाइड पे आपको टेबल ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो टेबल ऐड करने के लिए आपने राइट बॉटम पे एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने होम पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो होगी न्यू स्लाइड की, न्यू कमेंट की एंड टेबल की। दोस्तों, आपने टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल ऐड हो जाएगा। पर अगर आप मोर कॉलम्स या फिर रोज को ऐड करना चाहते हो, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शोर है अबव, इंसर्ट अबव, तो इंसर्ट अबव पे क्लिक करोगे तो अबव पे इंसर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शोरी है इंसर्ट ब्लो, तो यहाँ पे ब्लो पे इंसर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शोरी है इंसर्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट पे इंसर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शोरी है इंसर्ट राइट, दोस्तों यहाँ राइट पे इंसर्ट हो जाएगा। आप कुछ राइट करना चाहते हो तो आपने यहाँ डबल टैप करना है। जैसे आप डबल टैप करोगे तो आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ सीरियल नंबर, दोस्तों यहाँ पे राइट करने की ऑप्शन नहीं आ रही, तो इसके लिए आपने यहाँ बैक पे क्लिक करना है। जैसे आप बैक पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे राइट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे राइट कर रहा हूँ सीरियल नंबर। दोस्तों, इस टाइप से आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आपने टॉप पे क्लिक करना है। टॉप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फुल टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फुल टेबल जैसे ही आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा तो आपने यहाँ स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हेडर रो में अगर आप कोई स्टाइल यूज करना चाहते हो या फिर आप टोटल रो में करना चाहते हो, एंड अगर आप फर्स्ट कॉलम या फिर लास्ट कॉलम में ऐड करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में स्टाइल ऐड हो जाएगा। एंड दोस्तों, टेबल स्टाइल्स की यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है कि आप किस टाइप का टेबल स्टाइल यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टेबल स्टाइल्स को डिफरेंटली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है शेडिंग की। शेडिंग की ऑप्शन को आप फ्री वर्जन में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आप डिलीट करना चाहते हो, कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो या फिर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हो, तो जैसे आप यहाँ कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो आपने डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है। अभी मेरे पास सभी कॉलम सिलेक्टेड थे तो इसलिए सभी कॉलम डिलीट हो गए हैं, तो आपने पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये कॉलम सिलेक्टेड है, उसके बाद मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो डिलीट कॉलम पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कॉलम डिलीट हो गया। एंड अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हो, अभी मेरे पास यहाँ पे रो सिलेक्ट है, रो का यहाँ पे मेरे पास एक सेल ही सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे अभी रो को डिलीट करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे रो डिलीट हो गई है।
एंड अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हो अपने डिलीट लेबल पे क्लिक करके आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप अंडू या फिर रीडू भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी पावर पॉइंट या किसी अदर एजुकेशन ऐप के कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके रिकमेंड कर अप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।